आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक नहीं लेता है वह अपने जीवन में तरक्की के लिए काफी संघर्ष करता है, साथ ही कई बार असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है। असफलता का अफसोस न करें, आमतौर पर गलती या असफलता मिलने पर कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, हालांकि ऐसा करना उचित नहीं है। आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार जो बीत गया उस पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि अगली पारी के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को जीवन में कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं ठहरना चाहिए जहां उसकी इज्जत न हो। यदि आप अपना आत्मसम्मान को प्राथमिकता देंगे तो आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। भाग्य के भरोसे न बैठे इंसान को कभी भी भाग्य के भरोसे काम नहीं करना चाहिए। व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से अपना भाग्य बनाता है, इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान को कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अड़े रहना चाहिए। विनम्रता आत्मसंयम का मूल है। काम वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। आलसी का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता। अन्याय से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता वह जीत भी नहीं सकता। जैसे ही भय निकट आए आक्रमण करके उसका नाश कर दो। एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है जो कई तारे भी मिलकर नहीं कर सकते। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताजा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचता है। हंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पास ही नजर आती है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सीखा जाता है। सोचो, बड़ा सोचो और बड़ा सोचो, क्योंकि सोच किसी के बाप की जागीर नहीं है, और बड़ा सोचने में हम आपकी मदद करेंगे। जो शक्ति नहीं होते हुए भी मन से नहीं हारता उसको दुनिया की कोई सी भी ताकत नहीं हरा सकती। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसका मजाक ना उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति होती है कि वह एक मामूली कोयले के टुकड़े को भी हीरे में तब्दील देता है। मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, या सदाचार का त्याग करना पड़े, या फिर अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के 2 उपाय हैं। पैरों में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा न सके और आपसे दूर रहे। जो अस्वच्छ कपड़े पहनता हो, जिसके दांत साफ नहीं है, जो बहुत खाता हो, जो कठोर बोलता हो, जो सूर्योदय के बाद उठता हो, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना हो, वह लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएगा। जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जटा पाओगे, तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदैव असंभव बना रहेगा। एक व्यक्ति को चारों वेदों और सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो, लेकिन उसे यदि आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं हुई तो वह उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। जो बीत गया सो बीत गया। अपने हाथ से कोई गलत काम हो गया हो तो उसकी चिंता छोड़ते हुए अपने वर्तमान को सही तरीके से जीकर भविष्य को संवारना चाहिए। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। जब आपकी जिंदगी की कहानी लिखी जा रही है तो पेन किसी और के हाथों में मत दो। आपके दिमाग में हमेशा 2 चीजों के बीच लड़ाई होती है, सकारात्मकता और नकारात्मकता। आप जानते हैं कौन जीतेगा? वो जिसे आप ज्यादा पालते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता है कि एक इंसान कितना व्यस्त है, अगर वो सही में आपकी परवाह करते हैं तो आपके लिए टाइम निकल लेंगे। आप एक डायमंड हो, कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है। घबराइए मत, अभी इतना लेट नहीं हुआ है, आप नई शुरुआत कर सकते हैं।
अभी भी आपके पास इतना समय है जिसमें आप वो बन सकते हो जो बनना चाहते हो। आपकी यादों को आपके सपनों से बड़ा मत बनने दो। एक समय ऐसा आता है जब आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसे गुजरने दो और सुबह का इंतजार करो। उस आदमी को अनदेखा ना करे जो आपकी परवाह करता है, वरना किसी दिन आपको पता चलेगा कि आपने कंकड़ पत्थर जमा करते हुए हीरे को घंवा दिया। शुरुआत करने के लिए सही वक्त आज का है। अपने सपने की ओर आज ही कदम बढ़ाए, कल नहीं, बाद में नहीं, अभी इसी वक्त। अपने भूतकाल को जला दो, पेज पलटो और आगे बढ़ जाओ। आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप खुद के प्रकाश में खड़े हो। यहां तक कि आसमान के तारे भी बिना अंधेरे के नहीं चमक सकते। जो कुछ भी आप चाहते हो वो डर के दूसरी साइड पर मिलेगा। आप कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे यदि आप रुकते हैं और भौंकने वाले हर कुत्ते पर पत्थर फेंकते हैं। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। चाणक्य नीति कहती है कि मनुष्य को मधुर वाणी बोलनी चाहिए और दूसरों से विनम्रता से पेश आना चाहिए। ये दो गुण व्यक्ति की प्रतिभा में चार चांद लगा देते हैं। ऐसे लोगों पर हमेशा लक्ष्मी जी मेहरबान रहती हैं। ये सफलता और धन दोनों पाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि दूसरों के धन का लोभ कभी नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरों के धन का लालच करते हैं उन्हें लक्ष्मी जी की कृपा कभी नहीं मिलती है। ऐसे लोग गरीबी और दरिद्रता से जूझते रहते हैं। ये प्रतिभावान होने के बाद भी अपनी प्रतिभा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। सदैव तारीफ सुनने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभा पाता है। ऐसे लोगों को चापलूस किस्म के लोग घेरे रहते हैं। ऐसे राजा और प्रशासक को आगे चलकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। राजा और प्रशासक को स्वार्थी लोगों से दूर रहना चाहिए। दूसरों की मदद का अवसर आए तो कभी भागना नहीं चाहिए। जो दूसरों की मदद और सेवा के लिए तैयार रहता है उस पर धन की देवी लक्ष्मी जी कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे लोगों का हर स्थान पर सम्मान होता है। ये सभी के प्रिय होते हैं। दो अवगुणों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। जो लोग क्रोध करते हैं और सदैव अहंकार में डूबे रहते हैं, सामने वाले को हमेशा अपने से तुच्छ समझते हैं, वे कभी सफलता नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों के अनेकों शत्रु होते हैं। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है मगर पैसे से बुद्धि नहीं। भोजन की भूख नहीं लगती तो समझो तन रोगी है। भजन की भूख नहीं लगती तो समझो मन रोगी है। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई हैं। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना जीवन की अधिकतर कठिनाइयों को हल कर देता है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। अगर आप कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं या घर से बाहर कुछ सीखने के लिए जाते हैं तो अपना क्रोध घर पर छोड़कर जाओ, क्योंकि कोधर दिखाने में तो कुछ पल लगते हैं परंतु उसका नुकसान जीवन भर का हो जाता है। सफलता आपके हालत देखकर नहीं, आपकी मेहनत देखकर आएगी। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। इंसान अपना घमंड अच्छे वक्त में दिखाता है लेकिन उसका परिणाम उसके बुरे वक्त में दिखता है। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। अगर किसी मित्र को अपने रहस्यों के बारे में बताओगे तो अवश्य ही आगे चलकर उसके द्वारा नियंत्रित किए जाओगे। सफलता की डगर में धूप का भी योगदान होता है, क्योंकि छांव मिलते ही पैर डगमगाने लगते हैं और विश्राम की ओर ध्यान भटकता है। जिंदगी के मंच पर अपने चरित्र की प्रस्तुति इस तरह करो कि पर्दा हटने के बाद भी तालियां बजती रहें। ज्ञान उसी को बांटो जिसको जरूरत है, वरना मूर्खों को ध्यान बांटकर आप खुद को ही दुख पहुंचा सकते हो। आप केवल स्वयं को बदल सकते हो, इसलिए दूसरों को बदलने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। खुद पर लगाया गया समय एक वक्त बाद असर दिखाना शुरू करता है। नहीं खाओगे ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, और अगर नहीं टकराओगे गलतियों से तो फिर सही को कैसे पहचानोगे। इस दुनिया में किसी भी सफल आदमी से पूछ लेना कि समय की क्या महिमा है, सारा खेल समय का है। जिसने इसकी इज्जत कर ली समय उसी का होगा। निराशा की स्थिति में खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने में ही समाधान होगा। सफलता अगर किस्मत से मिलती तो मेहनती आदमी कभी सफल नहीं होता।
जब तैयारी का सही अवसर से मिलन होता है तो यह स्वतः ही आ जाती है। जो आदमी अकेला चलता है वह दिन की शुरुआत में ही चलना शुरू कर सकता है, परंतु जो दूसरों के भरोसे है तब तक नहीं चल सकता। जब तक सामने वाला तैयार ना हो, गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो जन्म से अंधा है वो देख नहीं सकते। ऐसे ही अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहा है, और पैसों के पीछे पागल लोगों को कभी काम में पाप नहीं दिखता। जिन लोगों को पढ़ने की आदत है वो अपनी जिंदगी में कभी अकेले नहीं हो सकते। जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक पहुंचिए। जब आप वहां पहुंच जाएंगे तब आप और आगे देख पाएंगे। जिंदगी कठिन तब लगती है जब हम खुद में बदलाव लाने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। किसी को कभी सत्य बोलने से भयभीत नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो सत्य उनका साथ दे या न दे।